अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इस लॉ को पढ़ने से पहले हमें डिफ्यूजन क्या होता है उसकी डेफिनेशन को समझना होगा। डिफ्यूजन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन कहा जाता है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद, कि गैस के मॉलिक्यूल का खुद ब खुद रैंडम मोशन, बेतरतीबी हरकत से मूव करना एंड क्लुइन, और आपस में टकराना टू फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। कि गैस के मॉलिक्यूल का खुद ब खुद मूव करना ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन बताइए आपको, डिफ्यूजन क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल का ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करना एंड रैंडम मोशन, बेतरतीबी से मूव करता है। अच्छा, अगर हम बात करें ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? जो ग्राम साइंटिस्ट था इसने रिलेशन बताया, थॉमसन ग्राम गिव अ रिलेशन बिटवीन, इसने रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसे कहते हैं? कि गैस के मॉलिक्यूल की मूव करने की स्पीड, कि गैस के मॉलिक्यूल कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इट्स मास, कि गैस के मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन और उसके मास या डेंसिटी के दरमियान में क्या रिलेशन होगा, इस चीज को स्टडी किया गया। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस लॉ के अंदर टेम्परेचर को भी और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को शो करते हैं आर से, वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी को समझना आसान होगा कि अगर हम यहां पर वर्ड यूज करें मोलर मास का, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो गैस के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जितना गैस का मास कम होगा, जितना किसी गैस का मास कम होगा, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन, उतनी गैस तेजी के साथ मूव करेगी। अब इसे समझने के लिए सिंपल है कि एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन गैस है और दूसरी तरफ मौजूद है अमोनिया गैस, इन दोनों में से रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन सी गैस जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन तेजी के साथ मूव करेगी? तो इसके मैसेज देखते हैं। हाइड्रोजन H2 है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन मास बनेगा 2 ग्राम पर मोल। H2 का मास होता है 2 ग्राम पर मोल, जबकि अमोनिया NH3 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 14, जबकि 3 हाइड्रोजन है 3, तो ये बन जाएगा 17 ग्राम पर मोल। तो इन दोनों में से कौन सी गैस, किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? वो होगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है ये तेजी के साथ मूव करेगी, तेजी के साथ डिफ्यूज करेगी। क्यों तेजी के साथ डिफ्यूज करेगी? क्योंकि इसका मास कम है। तो यही तो हमने पढ़ा है कि जितना मास कम होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो मास जितना गैस का कम होता जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो यहां पर हाइड्रोजन का मास कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, लाइटर गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली। लाइटर गैसेस, ऐसी गैस जिसका मास कम होगा, डिफ्यूज मोर रैपिडली, वो उतना तेजी के साथ मूव करेगी देन हैवियर वन। इसके बाद अगर हम इसी इसी लॉ को एक्सप्लेन करें, मजीद एक्सप्लेन करें, कि सपोज करें कि हमारे पास दो गैसेस हैं, पहली गैस का नाम लेते हैं ए और दूसरी गैस को सपोज करते हैं बी। तो जो गैस ए है इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करेंगे आर ए से और उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे डी ए से। इसी तरह गैस बी है, इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं आर बी से और इसकी डेंसिटी को डी बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यही इक्वेशन गैस ए के लिए लिखे तो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी ऑफ गैस ए बन जाएगा। मतलब क्या होगा? मैंने यही रिलेशन दोबारा लिखा है,
लेकिन साथ में क्या कर दिया, वर्ड यूज किया है ए का, मतलब गैस ए की बात कर रहे हैं। अब अगर यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें, तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहां पर इक्वल का साइन आएगा और यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट यूज होगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर ए इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय डी ए स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब यहां पर के किसके बराबर होगा, के किसके बराबर आएगा, इस डी स्क्वायर रूट को हम इक्वल के दूसरे लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी के इज इक्वल टू आर ए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए और मल्टीप्लाई कर देगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी के बराबर होता है। सेम इसी तरह अगर हम गैस बी के लिए फॉर्मूला यूज करें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के इनवर्स है, तो दोबारा वैसे ही रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, साथ में वर्ड यूज करेंगे बी का, जैसे हमने ए का वर्ड यूज किया था। तो गैस बी के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी ऑफ गैस बी बन जाएगा। सेम वैसे ही करेंगे कि यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट के लगा देंगे। के किसके बराबर आएगा, के किसके बराबर आएगा, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी को इक्वल के दूसरे ले जाए तो ये बन जाएगा के इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए और डेंसिटी ऑफ गैस बी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस बी बन जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को, इन दोनों के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए और इनकी जो डेंसिटी है वो किसके बराबर आ रही है, के कांस्टेंट के बराबर है। दोनों का जो आंसर है वो के बराबर आता है। जब दोनों का आंसर कांस्टेंट है तो इन दोनों को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो दोनों ये आपस में इक्वल होंगे। तो अगर हम आर को एक तरफ कर दें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी डेंसिटी को सब ले आते हैं, तो बन जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस बी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस ए बन जाता है। इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर भी ग्राहम लॉ को फॉलो ही किया जा रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी डेंसिटी के इनवर्स में लिखा हुआ है और रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी डेंसिटी के इनवर्स में ही लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास ग्राम ला के लिए रिलेशन बनता है। अब इस डी डी डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर होती है। अब वॉल्यूम तो यहां पर कॉन्स्टेंट होगा, तो हम क्या कर देते हैं, इस डेंसिटी की जगह मास को पुट कर देंगे, मास तो बन जाएगी इक्वेशन डी बी था तो ये बन जाएगा एम बी मॉलिक्यूलर मास, एम की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम डी की जगह एम को पुट करेंगे तो बन जाएगा आर ए डिवाइड बाय आर बी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ गैस ए बन जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन बनता है ग्राम ला का। अब जो हमने यहां पर डिस्कस किया है, इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना होगा, क्या वाकई ही रेट ऑफ डिफ्यूजन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करते हैं और किस तरह दो गैसेस के लिए उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन और उनके मोलर मैसेस की वैल्यूज दोनों आपस में आंसर सेम आएंगे, दोनों इक्वल होते हैं, इस चीज को भी प्रूव करना होगा। इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब लेते हैं और इस ग्लास ट्यूब की जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। इस ग्लास की जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर इसके एक तरफ दोनों एंड ओपन होंगे। इसके एक एंड से हम लगा देते हैं कॉटन, कॉटन लगाते हैं और वो कॉटन डिप करके लगाते हैं सोल्यूशन ऑफ HCl, HCl के सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और यहां पर हम क्या लगाते हैं, इस कॉटन को लगाते हैं। जबकि इसके अपोजिट साइड कॉटन लेते हैं और उसे अमोनिया के सॉल्यूशन में डिप करके लगा देते हैं। अब दोनों गैसेस के जो वेपर्स हैं वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अमोनिया ये आगे की तरफ, इसके वेपर्स जो हमारे पास अमोनिया गैस है ये आगे की तरफ मूव करेगी और ये कितना ट्रेवल करती है, 59.5 सेंटीमीटर। जबकि HCl मूव करता है 40.5 सेंटीमीटर। और जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं वैसे ये दोनों गैसेस कलरलेस होती है, नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही ये गैसेस
आपस में मिलेंगे। HCl अमोनिया से मिलेगा, इन दोनों के मिलने से बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, उस पॉइंट पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और जो अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये अमोनियम क्लोराइड व्हाइट फ्यूम्स, व्हाइट कलर के यहां पर फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए, अब यहां पर क्वेश्चन है कि यहां पर अमोनिया, अमोनिया ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है जबकि HCl ने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है। इसकी डिफ्यूजन, अमोनिया की डिफ्यूजन ज्यादा है, HCl की डिफ्यूजन कम है, इसका रीजन क्या होगा? एक्चुअली डिपेंड करता है इनके मैसेस के ऊपर। अमोनिया, अमोनिया का मैस कितना होगा? अमोनिया 14 होगा, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है तो बन जाएगा 17 ग्राम पर मोल बन जाएगा। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मैस निकलेगा 17 ग्राम पर मोल, जबकि HCl, HCl हाइड्रोजन 1 होगा, जबकि क्लोरीन 35.5, तो आंसर आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। तो अमोनिया का जो मैस है वो कम आता है, अमोनिया का मैस है 17, जब इसका मैस कम है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जो हमने यहां पर पढ़ा था कि जितना गैस का मैस कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो पहली बात तो प्रूव हो गई कि जितना गैस का मैस कम होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, तो अमोनिया ज्यादा ट्रेवल करेगी, जबकि HCl का मैस ज्यादा है तो इसकी डिफ्यूजन कम होगी। अब अगर हम इनकी वैल्यूज, अब अगर हम इस रिलेशंस को देखें जहां पर Ra और Rb का रिलेशन लिखा, तो सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ HCl, HCl का मैस देखें कितना निकलता है, अभी हमने फाइंड किया है HCl का मैस आएगा 56.5, तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अमोनिया, एम अमोनिया से शो करेंगे और इसका मैस कितना निकलेगा, 17 ग्राम पर मोल आ जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, HCl ने कितना मूव किया, 40.5, तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ रही है। इसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, अमोनिया ने कितना मूव किया है, ये आपके पास वैल्यू गिवन है 59.5। अगर इसी वैल्यू, अगर हम इन्हीं वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो फॉर्मूला किस तरह बन जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस ऑफ HCl डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अमोनिया। इन्हें आपस में क्रॉस में लिखना होगा। देखिए अगर मैंने HCl को ऊपर लिखा है तो उसके मॉलिक्यूलर मैस को क्रॉस में नीचे लिखा हो, इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर मैस HCl को ऊपर लिखा है तो उसका रेडियस क्रॉस में नीचे लिखा हुआ है। तो यहां जो हमने इसको बनाया हुआ था ए और इसे क्रॉस में ए में आएगा, तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो रेडियस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 59.5 हो जाएगा, ये लिखा हमारे पास। इसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl 40.5, जबकि इनके मैसेस, HCl का मैस है 56.5 जबकि अमोनिया का मैस है 17। इन्हें सॉल्व करें तो आंसर निकलता है 1.46, 1.46। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहां पर पढ़ा था द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और ये लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल होगा। अल्लाह हाफिज।